अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय करते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अधस्रश्च प्रसिद्धास्तस्य शाखा प्रणवृता विषय प्रवाह अधश्च अवलान्यो संतनानि क्रमाण वंदने मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कूप कोपरों वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल की मूल भी नीचे और ऊपर व्याप्त हो रहे हैं। न रूपम निश्चय तथोपद्य न तो न चार्य न च संप्रतिष्ठिता अश्वत्थमेण अश्वेण मूलम शंख शस्त्रेण गृहेण छिद्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं क्योंकि इसका न तो आदि है और न अंत है न ही स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वगत वृक्ष को दृढ़ प्रसंगता पूर्वक शस्त्र के द्वारा काट कर तदापनं तत्वमरेवा गिरतव्यम यस्मिन् गतानादिते भूयः त्वमेव जाय परखं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणे। इसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण में हूँ। जो मैं और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं के रहित हो गए हैं, जो सुख दुख रूप द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। न तद्दाशयते सूर्यो न शशाको न पावक यदा गत्वाणव निर्वर्तन्ते तद्धर्म परमं मम। उस परम पद को न सूर्य और न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है और जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते वह मेरा परम धाम है। ममैवासो जीव लोके जीव भूत सनातन मन संस्कारी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी दर्शने। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचवें इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यदाप्नोति यच्चाप्तो कामते सुरा गृहे वैतानि संज्ञाते वायु गंधा निवासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। श्रोतं चक्षु स्पर्शं न रसनं प्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानो पश्यते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत नेत्र त्वचा रसना और घ्राण इन पांचों विषयों का सेवन करता है। उत कामंतरिता वापि भंजान वागुणान्विता विमूढानां पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। यन्तो योगिना श्रेण पश्यन्त्यवस्थिता यन्तो यप्याकृतात्मानो नेन पतस्य चेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतकरण शुद्ध नहीं किया है ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। यदारे
संपन्न हुआ जय श्री कृष्ण जय श्री।